केंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। तो 14 प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगाई गई है। तो ये बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं, जहां त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म, काफी देर से ये बैठक चल रही थी और 14 प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगाई गई है। तो कैबिनेट की इस बैठक पर सभी की निगाहें थी, काफी अहम ये बैठक मानी जा रही थी और अब 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट की बैठक खत्म। तो त्रिवेंद्र रावत बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, 14 प्रस्तावों पर इस बैठक में मोहर लगाई गई है। तो साथ ही कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श भी कैबिनेट मंत्रियों के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत का। तो 14 प्रस्तावों को हरी झंडी त्रिवेंद्र सरकार की। तो बड़ी खबर आपको देहरादून से, संवाददाता अजीत कामोश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म, 14 प्रस्तावों पर लगी मोहर। एक हफ्ते के भीतर ये तीसरी कैबिनेट बैठक होगी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक की गई। कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा की गई और 14 के 14 सभी को मंजूरी दी गई है सरकार की तरफ से। तो अब कुल मिलाकर देखा जाए, सरकार गंभीरता के साथ निर्णय ले रही है प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर, और जिस तरह की तमाम जो चीजें कैबिनेट में आ रही हैं उन पर सलाह मशवरा कर तुरंत उनको मंजूरी दी जा रही है। मुख्य तौर पर अगर आज की कैबिनेट बैठक के बिंदुओं पर नजर डाले तो साइंस सिटी को लेकर सलाहकार पद को सृजित किया गया है, जिसमें जो व्यक्ति हैं जीएस रौतेला जी, उनको 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है और कुल 134 करोड़ की लागत से साइंस सिटी देहरादून में बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा कृषि उपज की अगर बात की जाए तो उसको लेकर यहाँ पर फैसला किया गया है। उत्तराखंड में मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 में संशोधन किया गया है। उत्तराखंड स्टार्टअप नीति 2018 में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पंचायती राज एक्ट 2016 में संशोधन करते हुए धारा 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को परिभाषित किया गया है। तो कुल मिलाकर बड़े फैसले हैं जो आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। जी बिल्कुल, लगातार कई मुद्दों को लेकर अजीत सरकार पर हावी, और लेकिन लगातार जो सरकार है वो प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक में मुद्दों पर बातचीत होती है, मंथन होता है और उसके बाद हरी झंडी दी जाती है, और यही जो है देखने को मिला आज की इस बैठक में। अजीत, देखिए बीते तीसरी कैबिनेट बैठक है और सरकार की कोशिश यही है कि जिनमें गंभीरता के साथ उनके पास प्रस्ताव आते हैं तो उनको ही तेजी के साथ उनको पूरा भी किया जाए। सरकार के जो विकास कार्य हैं वो धरातल पर कैसे दिख सकते हैं, इसको लेकर सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो लगातार हैं दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और कैबिनेट के माध्यम से जो प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं उनको भी तत्काल इंप्लीमेंट करने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। आज की बात करें 14 प्रस्तावों को जो हरी झंडी मिली है, और सरकार की कोशिश यही है कि 14 के 14 प्रस्ताव पर जल्द से जल्द शासनादेश जारी किया जाए और सभी को धरातल से स्वरूप भी दिया जाए। जी बिल्कुल, और अगर बात करें यहाँ पर, क्योंकि कई मुद्दे ऐसे हैं जो विपक्ष लगातार उठा रहा है और जो कर्मचारी वर्ग है उनमें भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अजीत देखने को मिल रही है, तो क्या इन प्रस्तावों के अलावा क्या मुद्दे कुछ रहे चर्चा का विषय आज की इस बैठक में? बिल्कुल, सरकार लगातार गंभीर रहती है जनहित के मुद्दों को लेकर, जिस तरह से राज्य कर्मचारी उसका एक बड़ा मुद्दा है उसको लेकर सरकार लगातार बैठकें कर रही है। बीते रोज भी शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में बैठक की गई। हालांकि जो कर्मचारियों की मुख्य मांग है प्रमोशन में आरक्षण को समाप्त करने का, उस पर कोई चर्चा नहीं की गई, लेकिन सरकार गंभीरता से कर्मचारियों के हित में निर्णय लेने की बात कर रही है। आज की ही कैबिनेट बैठक की अगर बात की जाए तो तमाम पद ऐसे हैं जो अभी तक चर्चा का विषय रहते थे, जिसमें एक पद होता था मंडी परिषद के अध्यक्ष का, यह पहले सरकार के द्वारा होता था, जिसमें अब सरकार चिन्हित नहीं कर पाएगी, अब मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए भी चुनाव होगा। अजीत, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के